नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिमार्क से। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन को हमने उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए आंदोलन के साथ आ गए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग पांडुरंग और एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर मुंबई महाराष्ट्र में, कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में 1867 में की। कब की? 1867 में मुंबई महाराष्ट्र। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या? महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात। इस प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के प्रभाव से या उनसे प्रभावित होकर इस प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य क्या था, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था स्त्री शिक्षा पर जोर देना, स्त्री पुरुष का समाज में समान स्थान बनाना, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह पर बल देना, बहुत सारी जो मतलब हमारे समाज में कुरूतियाँ थीं उनका विरोध करना और अच्छाइयों का पालन के लिए इस समाज की यानी इस संस्था की, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सीरीज कंटिन्यू रखी है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे आता है, अब देखो यहाँ से मुस्लिम आंदोलन शुरू होते हैं हमारे, उसमें पहला पढ़ेंगे हम बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1820 में, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है? इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1820 से 1870 के बीच, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत अरब क्षेत्र में हुई। और इसकी स्थापना किसने की थी, बहावी आंदोलन मतलब शुरू किसने किया था? ये अब्दुल बहाव इनका नाम था, अब्दुल बहाव इनका नाम था। अब देखो इसका भी कुछ मुख्य उद्देश्य रहा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समाज में जो कुरूतियां व्याप्त थी उनको समाप्त करना, ठीक है। तो हमारे देश में इसे सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय बनाते हैं वो सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन को भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय बनाते हैं। और देखो इस आंदोलन के हमारे भारत में जो केंद्र थे वो पटना में हमारे जो केंद्र था उसमें, केंद्र मतलब पटना में जो ये चलाया जिसने, उनका नाम था लियाकत अली। ठीक है। और दूसरा बंगाल भी मुस्लिम बाहुल्य था, तो वहां बंगाल में किसने चलाया? निशान अली, ठीक है। तो बहावी आंदोलन बहुत शॉर्ट में समझिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो यहीं से पूछ लेगा, ये सारा आपके फैक्ट है, मतलब फैक्ट बेस पे क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है। तो इससे अगला पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। इससे अगला आता है हम पढ़ेंगे मुस्लिम आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने उसे पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़िए एक बार, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस लगाइए अपने एग्जाम में।
अलीगढ़ आंदोलन। आप अच्छी तरीके से जानते हैं अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में ही हुई थी, क्योंकि ना आंदोलन का नाम ही अलीगढ़ आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कौन सी सन कब से मानी जाए? ये 1875, 1875, ठीक है। मैं इसकी मतलब पहले से चल रहा था, लेकिन शुरुआत ऐसे मानते हैं तब से हुई है, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने, किसने? सर सैयद अहमद खान ने की थी, सॉरी, किसने? सर सैयद, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, कहाँ? अलीगढ़ में। अब इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सर सैयद अहमद खान का कहना था कि मुस्लिमों को भी पाश्चात्य शिक्षा, यानी जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा है, उसको पढ़ना चाहिए। पहले क्या था कि इसमें ये अपनी उर्दू भाषा को ही पढ़ना पसंद करते थे, ना ही हिंदी को इतना प्रेफरेंस देते थे, ना ही कोई और भाषा को। तो इन्होंने कहा कि हमें भी पाश्चात्य शिक्षा पर जोर देना चाहिए, मतलब हमें भी अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे उसमें सुधार होगा। इन्होंने बोला क्यों था? क्योंकि आपको मैं थोड़ा और बैक में लेकर चलूँ हिस्ट्री में। जब ये समय देखो कब का, 1875, 1857 की क्रांति के बाद, मतलब कुछ समय बाद है, ठीक है। तो क्या था कि अंग्रेजों ने मान लिया था कि 1857 की क्रांति जो भी हुई है, ये किसकी वजह से हुई? मुस्लिम इसके कारण है। मेन कारण किनको माना था? मुस्लिमों को माना था। तो अंग्रेजों ने मुस्लिमों पर सारे बैन लगा दिए थे, ना तो इन्हें अच्छी शिक्षा देने दिए थे, ठीक है, ना ही इनके विकास के लिए कुछ कार्य करते थे इनके क्षेत्र में। इन्होंने क्या कर दिया, एक डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया समाज में, मतलब इन्होंने हिंदुओं को ऊपर बैठा दिया और मुस्लिमों को नीचे कर दिया। तो इन्होंने बस यही बोला था कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें और अंग्रेजों की कंपनी में कार्य करें, तो हमारी भी शैक्षिक स्थिति और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो हम भी समाज में अच्छे उससे चल सकेंगे, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, 1863 में इन्होंने 1863 में इन्होंने मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। मोहम्मडन मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, सोसाइटी की स्थापना की कब की इन्होंने? 1863 में की थी, ठीक है। और 1863 के बाद फिर इन्होंने 1875 में, 1875 में यही जो जो देखो ये समय यहाँ का माना आपको लिखा हुआ, आप बोलोगे 1863 कहाँ से, चल तो पहले से रहा था, ठीक है। इन्होंने इसको और गति प्रदान की, ठीक है। तो 1863 में क्या करते हैं, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करते हैं, ठीक है। और 1875 में क्या करते हैं, 1875 में ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी? मोहम्मडन मोहम्मडन ओरिएंटल ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन ओरिएंटल लिटरेरी कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है, 1875 में। यही आगे चल के 1920 में एएमयू बन जाता है, जो आज का एएमयू है, ठीक है। क्या? आज का एएमयू जो है, यही आगे चल के बन जाती है, ठीक है। तो इनका, और इन्होंने एक और बात कही थी, इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एक राष्ट्र की दो आंखें कही थी। एक उक्ति है, मतलब इन्होंने बोली थी कि हिंदू मुस्लिम जो भारत के हैं, एक राष्ट्र की दो आंखें हैं, ठीक है। तो इनका ये इतना था, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है,
इससे आ गया था हमारा अहमदिया आंदोलन। क्या आता है? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब का एक जिला है गुरदासपुर। कहाँ? गुरदासपुर। पंजाब, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने बोला था कि मुस्लिमों में इस्लाम के वास्तविक औचित्य को दोबारा लाना होगा। मतलब मुसलमानों में इस्लाम के वास्तविक औचित्य को दोबारा से पुनः जगाना होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्यों बोला था कि समाज में बहुत सारी कुरूति व्याप्ति, इनका मैटर यही है कि धर्म को अपने को सुधार करना है, हमें आंदोलन चलाने है कि हमारे समाज में कोई कुरूति व्याप्त ना रहे। इन्होंने ये बोला था। और देखो इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, ये भी चाहते थे कि हम भी हिंदुओं से प्रेरित होकर ऐसे ही आंदोलन चलाए। इन्होंने देखो शुद्धि आंदोलन आपको पता है ना, एक क्लास लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये लास्ट नहीं और पीछे, ठीक है, तो उसमें बताया था शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो उनके आंदोलन का तो इन्होंने विरोध किया, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, क्यों किया? कि शुद्धि आंदोलन में क्या था कि जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे उनको दोबारा से पुनः हिंदू बनाया जा रहा था शुद्धि आंदोलन में। ठीक है, तो उसका इन्होंने विरोध किया कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और इन्होंने क्या किया, और जो ईसाई प्रोटेस्ट हमारे यहाँ चल रही थी, जो ईसाई बनाए जा रहे थे यहाँ, मुस्लिम और हिंदू दोनों को बना रहे थे, तो उनको क्या बोला था इन्होंने कि आप ईसाई क्यों अपना रहे हो, अपने धर्म में रहो ना, यही सारा कुछ है। उस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेज इनका शोषण कर रहे थे भाई, सभी लोगों का, हिंदू और मुसलमानों का। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का रूल है वहाँ। तो इन्होंने बोला था कि आप ईसाई धर्म में क्यों जा रहे हो, अपने धर्म में रहो ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी। और इन्होंने जो हमारे देश जो समाज सुधार, हिंदू के समाज सुधार आंदोलन है ना, उनसे बहुत काफ़ी प्रभावित थे। ये बोलते थे अपने समाज के लोगों से कि आपको भी इनसे प्रेरित होना चाहिए। जो हिंदू सुधार आंदोलन जितने चल रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय का था, उनको इन्होंने उदाहरण बताया, दयानंद सरस्वती का, तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदू सुधार आंदोलन की व्याख्या की, अच्छे तरीके से अपने समाज में अपनाने के लिए बोला इन्होंने। ठीक है, तो इनके दो व्यू आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ। एक तो यह है कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया, क्यों किया भाई, ये रक्षात्मक तरीका अपनाना चाह रहे थे अपने समाज के प्रति। ठीक है, कि हम अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को अन्य समाज में नहीं जाने देंगे, या उसे कुछ नहीं, उसके हकों का हनन नहीं होने देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि हमें भी हिंदू सुधार आंदोलनों की तरह अपने समाज में आंदोलन सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें सारे आपके धर्म सुधार आंदोलन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे अब देखो हरियाणा में वैकेंसी आई हुई है, हरियाणा पुलिस है, यूपी पुलिस है, ठीक है, हरियाणा पटवारी आया हुआ है, CHSL है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो उनमें जाने से पहले डियर फ्रेंड्स एक बार ज़रूर देखिए इस आंदोलन से, ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। ठीक है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए स्टडी दिमाग से।